हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विशाल ऑनलाइन क्लासेस। और दोस्तों, जैसे कि आप सभी ने मेरी वीडियो का टाइटल पढ़ ही लिया होगा, हाउ टू पे इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑनलाइन स्टेप बाय स्टेप इन हिंदी। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इसी बारे में बताने वाला हूँ किस तरह से आप अपना बिजली का बिल जो है ऑनलाइन अपने मोबाइल से घर बैठे पे कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये बहुत ही आसान तरीका है। मैं भी अपना बिजली का बिल जो है घर बैठे ही अपने मोबाइल से पे कर देता हूँ। तो दोस्तों, मोबाइल से आपका बिजली का बिल जो है पे करना बहुत ही आसान है और यहाँ पर जो है आपको एक्स्ट्रा में कैशबैक भी मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप इन हिंदी में बताने वाला हूँ, क्योंकि दोस्तों अगर आपको अपना इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली का बिल जो है पे करना हो तो वहाँ पर जो है आपको बहुत लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ता है, बहुत ज्यादा टाइम जो है आपको लग जाता है। तो आप मात्र एक मिनट जो है अपना इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली का बिल जो है पे कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको इसी बारे में जानकारी देने वाला हूँ। तो अगर वीडियो आपको पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, मैं आपका ज्यादा टाइम ना लेते हुए आपको बताता हूँ किस तरह से जो है आपको अपने मोबाइल में जो है अपना बिजली का बिल जो है पे करना है। तो दोस्तों, हम वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। तो दोस्तों, अपने मोबाइल से बिजली का यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना होगा। इस एप्लीकेशन का लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में और वीडियो के फर्स्ट कमेंट में। तो जैसे कि आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में से इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे, सबसे पहले जो है आपको इसमें अपने मोबाइल अपने जो है बैंक अकाउंट एड कर लेना होगा। बैंक अकाउंट किस तरह से एड करना है इसके बारे में जो पहले से ही वीडियो आपको बना चुका हूँ, और इस वीडियो का लिंक भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। जब आप यहाँ पर अपना अकाउंट बना लेते हैं, इसके बाद जो है यहाँ पर आपको नीचे आना होगा अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल जमा करने के लिए। तो यहाँ पर जैसे कि आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर नीचे आने के बाद जो आपको लिखा हुआ दिखाई देगा रिचार्ज एंड पे बिल्स। तो यहाँ पर जो है आपको जाना है इलेक्ट्रिसिटी वाले ऑप्शन में। तो यहाँ पर जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी का ऑप्शन आ चुका है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे कि आप इस पर क्लिक करेंगे, इसके बाद आपको यहाँ पर नीचे आना है, और नीचे आने के बाद जो भी आपकी यहाँ पर स्टेट की वेबसाइट है वो आपको यहाँ पर सर्च कर लेनी है। जैसे कि मान लीजिए कि आप गुजरात से हैं या फिर आप कहीं से भी हैं, नागालैंड वगैरह, यहाँ पर सब जो है आपको वेबसाइट दी गई है। तो जैसे कि मैं यहाँ पर उत्तराखंड से हूँ तो मुझे यहाँ पर आना है उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड पे। तो मैंने जो यहाँ पर सर्च कर दिया है यानी कि क्लिक कर लिया है पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया पे। तो यहाँ पर जो है जैसे कि मैंने उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन पर क्लिक कर लिया है। इसके बाद यहाँ पर मांगा जा रहा है हमसे हमारा सर्विस कनेक्शन नंबर। तो दोस्तों, ये सर्विस कनेक्शन नंबर जो है आपके बिल के ऊपर लिखा हुआ होगा, जैसे कि 318 ऐसे करके जो है ये आपको मिल जाएगा। इसके बाद जैसे कि आपको सर्विस कनेक्शन नंबर मिल जाता है तो आपको इसको जो है यहाँ पर फिल कर देना है। तो मैंने जो है अपना सर्विस कनेक्शन नंबर यहाँ पर डाल दिया है। इसके बाद हमें यहाँ पर नीचे कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। तो जैसे कि मैं यहाँ पर कन्फर्म पर क्लिक कर देता हूँ, और कन्फर्म पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारा जितना भी इलेक्ट्रिसिटी का बिल होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। तो जैसे कि दोस्तों, यहाँ पर आप देख पाएंगे मेरा जो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का बिल है वो यहाँ पर आ चुका है। 1600 रुपए का जो है यहाँ पर मेरा बिल आ चुका है। तो मैं जो इसको यहाँ पर अपना बिल जो है पे कर लेता हूँ। तो दोस्तों, बिल पे करने के लिए जो है आपको यहाँ पर 3-4 ऑप्शन जो है ऑलरेडी दिए हुए हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर आपके वॉलेट में जो है बैलेंस है तो आप यहाँ से वॉलेट से कर सकते हैं। अगर आप वॉलेट से नहीं करना चाहते हैं तो आप अपना यहाँ पर भीम UPI पिन से कर सकते हैं, या फिर डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, या फिर क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपको नहीं पता है डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में क्या अंतर होता है, इसके लिए मैं पहले से वीडियो बना चुका हूँ। इस वीडियो का लिंक भी आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। इसके बाद दोस्तों, आपको क्या करना है, अगर आप यहाँ से अपने जो भी आपके पेमेंट मेथड है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं, इसके बाद जो है आपको यहाँ पर नीचे पे बिल्स का ऑप्शन मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, पे बिल्स पर क्लिक कर लेना है। तो जैसे कि हमने यहाँ पर पे बिल्स पर क्लिक कर लिया, और पे बिल्स पर क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पर हमारे पेमेंट जो है यहाँ पर दिखा रहा है बिल पेमेंट सक्सेसफुल। तो जैसे कि दोस्तों, यहाँ पर आप देख पाएंगे मेरी जो पेमेंट जो है यहाँ पर हो चुकी है, और यहाँ पर जो मेरे पास जो सक्सेसफुल का मैसेज भी आ चुका है। तो दोस्तों, इस तरह से आप बहुत ही आराम से अपनी बिल पेमेंट जो है अपनी बहुत ही आराम से अपना इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो है जमा कर सकते हैं फोन पे एप्लीकेशन के माध्यम से। इस एप्लीकेशन का लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, जिससे जो है आपको एक्स्ट्रा में 100 रुपए कैशबैक मिल जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो अगर आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक शेयर जरूर करें। अगर आप भी अपना इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली का बिल जो है घर बैठे जमा करना चाहते हैं, पे करना चाहते हैं, तो इस तरह से जो है आप बहुत इजीली कर पाएंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक शेयर जरूर करें। और दोस्तों, मैं आपको अपना मैसेज भी दिखा देता हूँ। मेरा जो यहाँ पर मैसेज आ चुका है, मेरा जो है बिल पेमेंट भी कट चुका है। और जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे, मेरा जो यहाँ पर 1614 रुपये का बिल था वो यहाँ पर कट चुका है, यानी कि मेरा बिल जो है यहाँ पर पे हो चुका है, और मेरा जो ट्रांजेक्शन आईडी है वो यहाँ पर मिल चुकी है। और दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं इसकी हम स्लिप किस तरह से डाउनलोड करें, तो दोस्तों इसके बारे में मैं पहले से वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। आप देख पाएंगे कि आपको जो है किस तरह से अपना बिजली का बिल जो आपने पे किया है उसकी स्लिप भी कैसे डाउनलोड करनी है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।